असल स्टूडेंट्स इन शाह इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स डिसकस अबाउट क्लास नाइन्थ बिओलॉजी सो ना वी स्टार्ट चैप्टर नंबर वन डिफिनी नॉलेज अपटेंड थ्रू ऑब्जर्वेश्ड एक्सपेरिमेंट ऐसा कोई भी इलम जो मुशाह या तजर्बात से हासिल करें उसको क्या कहते हैं साइंस कहते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन इज़ द डीप स्टडी ऑफ एनी थिंग विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन सो मतलब फाइव सेंसिस के जरिए हेयर टच टेस्ट साइट एंड स्मेल इन फाइव सेंसिस के जरिए हम कोई भी इलम हासिल करते हैं तो वो ऑब्ज़र्वेशन है और वह साइंस का हिस्सा है फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेन को देखें ये ब्लू कलर का है सो ये साइट के जरिए मुझे पता चला कि ये ब्लू कलर का है एंड टच के जरिए मुझे पता चलता है कि ये हार्ड है तो ये मैं इलम हासिल कर रहा हूँ साइंस हासिल कर रहा हूँ अबाउट दिस पेन नेक्स्ट इज़ बयालॉजी बयालॉजी इज़ ड्राइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स बायो विच मीन्स लाइफ एंड लोगोस विच मीन्स स्टडी सो सिंपली इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे लाइफ को स्टडी करेंगे ज़िंदगी को स्टडी करेंगे अब ये ज़रूरी नहीं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक जानदार को ही स्टडी करना है बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो उस जानदार को एफेक्ट करते हैं उनको भी स्टडी करेंगे जैसा कि पानी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन वो खुद नॉन लिविंग है लेकिन अब हम पानी को भी वाटर को भी इजीली हम स्टडी करेंगे इसमें साथ में कोई और फैक्टर्स जैसा कि इन्वामेंटल फैक्टर्स हैं लाइट मे बी ऑक्सीजन एट्सेट्रा तो इनको स्टडी करना ये बहुत ज़रूरी है सो so, बायोलॉजी में हम जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे और साथ साथ वो फैक्टर्स जो लाइफ को इफेक्ट करते हैं तो उनको भी स्टडी करेंगे बायोलॉजी uh, को मेन थ्री डिवीजन में डिवाइड किया गया है सबसे पहले जोलॉजी बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी वर्ड जो है ये भी टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है वन इज जोन जोन मीन एनिमल एंड लोगोस आपको पहले से पता है कि लोगोस का मतलब क्या है स्टडी करना सो so, हम क्या करेंगे जोलॉजी में स्टडी करेंगे किस चीज़ को एनिमल्स को मतलब एनिमल्स की स्टडी करना जोलॉजी कहलाता है अब एनिमल्स में बर्ड डॉग्स फिश स्नैक फ्रॉग एटसेट्रा जो भी आपको एनिमल्स जो आपने देखे हों आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट है बॉटनी टूवर्ड बॉटनी है ये बोटेन से डिराइव किया गया है और बोटेन का मतलब है ग्रास सो so, बॉटनी में हम क्या करेंगे ग्रासेस ग्रासेस मीन्स प्लांट्स तो हम इसमें प्लांट्स को स्टडी करेंगे तो कोई भी प्लांट्स हो मे बी एप्पल पोटैटो रोज़ एटसेट्रा कोई भी प्लांट अगर आपको याद हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि प्लांट्स की स्टडी करना बॉटनी कहलाता है नेक्स्ट वन माइक्रोबायोलॉजी अब माइक्रो वर्ड देखें तो माइक्रोस बायो एंड लोगस इन तीन वर्ड से डिराइव है ये लैटिन वर्ड्स है तो सॉरी ये ग्रीक वर्ड्स हैं और माइक्रो का मतलब क्या बनता है स्मॉल का मतलब स्टडी एंड बायो मीन लाइफ सो मतलब उन जानदारों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो स्मॉल होंगे ठीक है सो हम डिफाइन कर सकते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई एंड वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप मतलब हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं आंख से नज़र नहीं आते जैसे कि एग्ज़ाम्पल है बैक्टीरिया वायरस प्रोटोज़ोन कोरोना वायरस आजकल काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रहा है प्रो प्रोटोज़ोन में फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया काज करता है नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी जो वर्ड मॉर्फोलॉजी है ये भी टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है मार्फोमीज फॉर्म आर स्ट्रक्चर एंड लोगोस मीन स्टडी सो इसमें हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर या फॉर्म को स्टडी करेंगे तो कोई भी लिविंग बॉडी का कोई पार्ट लेंगे और इसको स्टडी करेंगे उसके स्ट्रक्चर को एंड फॉर्म को स्टडी करेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक फिदर बना लिया है तो फिदर के कलर को पैटर्न को स्ट्रक्चर शेप इन इन सब चीज़ों को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करेंगे सेकेंड वन एनाटोमी उसके बिल्कुल अगेंस्ट है जिस तरह की ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करता है तो एनाटोमी में हम इंटरनल स्टडी को इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे एनामीज अगेन टोमी मीज टू कट मीज कट करने के बाद जब हम एक जानदार को देखते हैं तो वो क्या होगा एनाटॉमी जैसा कि अगर हम इंसान है इंसान की डाइसेक्शन करो उसको कट करो कट करने के बाद उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आए जाएंगे मीज हार्ट लंग्स किडनीज वगैरह तो उनको स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है मालिक्यूलर बायोलॉजी सो मालिक्यूलर बायोलॉजी में हम मालिक्यूल्स को स्टडी करते हैं कौन से मालिक्यूल जो लाइफ के अंदर मौजूद हो जिंदगी के अंदर मौजूद हो जानदार के अंदर मौजूद हो सो द स्टडी ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ मतलब कोई भी डीएनए एन एंड वाटर फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन है ये कैराटीन प्रोटीन है ये जो नेल है ये कैराटीन प्रोटीन से बना हुआ है और हर सेल के अंदर डीएनए भी होता है और वाटर आपने आपने देखा होगा सो अगर हम इन इन, इन डीएनए वाटर या प्रोटीन की हम स्टडी करते हैं तो ये क्या है ये मलिकुलर बियोलॉजी कहलाता है हिस्टोलॉजी वर्ड इज़ आल्सो डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड हिस्टो हिस्टोमीज टिशू एंड लोगोस लोगोसमीज स्टडी सो यहाँ पर हम टिशू को स्टडी करेंगे टिशू क्या होता है टू इज़ अ ग्रूप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एक तरह के सेल्स मिलकर एक ख़ास फंक्शन अदा करें अंजाम दे तो उनको क्या कहते हैं टिशू कहते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में आपने देखा होगा प्लांट्स uh, के अंदर जो कंडक्टिंग टिशू होते हैं वेस्कुलर टिशू या कंडक्टिंग टिशू जिसमें जायलम और फ्लोएम आते हैं वेस्कुलर टिशूज जो जाइलम है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को और फ्लोएम जो है वो खुराक को फूड को ट्रांसपोर्ट करता है विद इन प्लांट बॉडी एनिमल्स में अगर देखें तो मसल्स हैं तो ये देखो ये मसल्स हैं मसल का मेन काम क्या होता है तो मसल टिश्यूज़ का मेन काम है कि ये हमें मोमेंट प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो हमारे बोन्स एंड कार्टिलेज के साथ मिलकर कर क्या करते हैं मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट है सेल बियोलॉजी और साइटोलॉजी सो वर्ड साइटो का मतलब है सेल लोगस का मतलब है स्टडी सो सिंपली अगर हम बात करें साइटोलॉजी की सो so हम इसमें क्या करेंगे स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब सेल और इसके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकते हैं कोई भी आर्गेनली भी आ सकते हैं मे बी उनके सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्डिया कोई भी स्ट्रक्चर आप उसमें स्टडी कर सकते हैं तो इसमें हम सेल के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मे भी वो एक जानदार के अंदर हो या कोई किसी दूसरे जानदार के अंदर हो किसी भी जानदार के अंदर अगर हम सेल को स्टडी करेंगे तो क्या होगा साइटोलॉजी कहलाता होगा ठीक है नेक्स्ट so, 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 है फिजियोलॉजी सो वर्ड फिजियो मीन्स फंक्शन सो यहाँ पे एंड लोगस मींस स्टडी सो ये अगेन ग्रीक वर्ड्स हैं फिजियो मीन्स फंक्शन सो हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन पढ़ेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट क्या करता है ब्लड को पम्प करता है मसल्स की बात करते हैं एंड बोन्स की तो वो हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं सो so, इनके डिफरेंट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं सो so, फिजियोलॉजी में हम जिसम के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं जेनेटिक्स जो वर्ड है वो जेनेसिस से निकला है डिराइव किया गया है और जेनेसिस के का मतलब है ऑरिजन ठीक है जो वर्ड जेनेटिक्स है इसके अंदर जीन एक दिए हुए जी ई एन ई सो ये जीन्स को स्टडी करते हैं इसमें हम जेनेटिक्स में क्या करेंगे जीन्स को स्टडी करेंगे जीन्स क्या होते हैं जीन्स डीएनए के सीक्वेंस हैं जो किसी प्रोटीन को कोट करते हैं ठीक है और उसका रोल इन इनहेरिटेंस हेरिटेंस अब देखो जीन्स जो है वो एक जानदार से मीन्स पेरेंट्स से आस्ट्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं सो so, असल में जो करेक्टर करेक्टर्स हैं जैसा कि आई कलर है स्किन कलर है सो तो ये करेक्टर जीन की शक्ल में नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होती है सो तो इस अमल को कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑस्प्रिंग मतलब वालदेन से बच्चों में करेक्टर्स का मुंतकिल होना करेक्टर्स में कोई भी जैसे कि आई कलर है मीन्स वो करैक्टर जो वालदे से बच्चों में मुंतकिल होते हैं जैसे कि आई कलर जैसा कि किसी वालदेन के जो आइज़ हैं वो ब्लैक हैं तो बच्चों में भी ब्लैक कलर आ जाते हैं किसी के ब्राउन टाइप होते हैं तो बच्चों में भी ब्राउन आ जाते हैं या हेयर कलर की बात कर दें किसी के गुंगरियाली होते हैं किसी के स्ट्रेट बाल होते हैं तो वालदेन से अक्सर जो करेक्टर्स हैं वो बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी वर्ड जो है एम्ब्रियोन्स से डिराइवड है जिसका मतलब अनबर्न मतलब इसमें हम एक जानदार को स्टडी करेंगे लेकिन तब तक जब तक वो बर्न ना हुआ हो मतलब जैसा कि एक बच्चा है बच्चा अब माँ के पेट के अंदर मौजूद है तो इस टाइम पे उसको स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है सो इसमें हम एक एम्ब्रियो से एम्ब्रियो क्या होता है एम्ब्रियो जब हम आ, दो सेल्स मीन्स स्पाम प्लस एग इन दोनों को मिलाते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये एक सेल बन जाएगा अब देखो स्पान एंड एग आपस में मिले और एक सेल बन जाए ठीक है सो ये क्या होगा यूनिसेलुलर एम्ब्रियो है अब इस एक एम्ब्रियो से कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा न्यू इंडिविजुअल ठीक है सो यहां इस एक एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल तक जो स्टेजेस हैं उनको स्टडी करना ये एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे आ, नेक्स्ट है टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी जो वर्ड है टेक्सस से निकला है टेक्सस का मतलब अरेंजमेंट एंडनोमस मीन साइंस मतलब इसमें कोई ऐसी साइंस है जिसमें हम जानदारों को अरेंज करेंगे सो so, कैसे द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस मतलब हम इसमें या तो सिमिलरिटी मतलब किसी दो चीज़ें सिमिलर हैं तो उनको आपस में इकट्ठे रखें जो डिफरेंस है तो आ, अलग रखते हैं फॉर एग्जाम्पल उड़ने वाले जानदार अलग करो जो नहीं उड़ते वो अलग करो अंडे देने वाले जानदार अलग करो जो नहीं अंडे देते तो वो अलग करो तो ये डिफ्रेंसिज एंड सिमिलरिटी हैं जो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं जानदारों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में ठीक है तो टेक्सोनॉमी क्या होता है टेक्सोनॉमी इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस मतलब इसमें सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के जरिए हम जानदारों को क्या करेंगे सेपरेट करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे अरेंज करेंगे इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज करेंगे ओके नेक्स्ट है पेलियनटोलॉजी पेलियटोलॉजी वर्ड जो है पेलियोस से डाइव है पेलियोस मीज ओल्ड ऑनटोमीज क्रिएचर मतलब ओल्ड क्रिएचर जो पुराने मौजूद थे लोगों से स्टडी इसमें कोई हम ऐसे जानदारों को स्टडी करेंगे जो पहले मौजूद थे अब उनके जस्ट डेड रिमेन्स बाकी हैं ठीक है सो इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स फॉसिल्स को स्टडी करेंगे फॉसिल्स क्या होते हैं द रिमेन ऑफ एक्सटिंट ऑर्गेनिज्म मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सटिंट ऑर्गेनिज्म है जैसे कि डायनासोर है अब डायनासोर अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है इस दुनिया में आजकल मौजूद नहीं है लेकिन उनके जो डेड रिमेन्स हैं उसको स्टडी करना ये क्या है फॉसिल और फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो ये कहाँ पे स्टडी करेंगे पेलियटोलॉजी में ठीक है नेक्स्ट है इन्वामेंटल बियोलॉजी सो यहाँ पे हम इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे सिंपली कि एक जानदार का इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंट्रेक्शन होता है सो द स्टडी ऑफ इंट्रेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट जानदार के इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन करना जैसे कि हम आ, हवा इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं हम लाइट को भी आ, लेते हैं हम आ, हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं वाटर लेते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ हमारे इंट्रेक्शन होते रहते हैं तो इनको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे ठीक है नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी सो वर्ड सोशल जो है सोशियो वो निकला है सोशल बिहेवियर से सो मतलब सोसाइटी से निकला है सिंपली आप जिस तरह के डिफरेंट हमारी सोसाइटीज़ हैं तो इंसान जिस तरह सोसाइटी बनाते हैं इकट्ठे रहते हैं इस तरह कुछ और जानदार भी हैं जो आपस में सोसाइटी बनाते हैं और इकट्ठे रहते हैं जैसे कि बीज हैं सो so, बीज या टर्माइट्स वगैरह तो ये भी आपस में सोसाइटी बना के इकट्ठे रहते हैं ठीक है सो बायोलॉजी क्या है द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ़ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज जैसे कि बीज हैं एंट्स है टर्माइट्स है ह्यूमंस हैं है, तो मतलब हमारे अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान का सोशल बिहेवियर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे ठीक है नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी तो वर्ड पैरासाइट जो है एंड लोगस तो मतलब इसमें अगेन दो वर्ड्स हैं एक पैरासाइड है और दूसरा लोगस तो ये वर्ड पैरासाइड पेरासाइड क्या होता है पेरासाइड्स आर ऑर्गेनिजम दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट इन रिटर्न हार्म देम मतलब कोई ऐसे जानदार जो दूसरे होस्ट पे दूसरे जानदार के ऊपर रहते हैं और उनमें नुकसान भी देते हैं या डिजीज भी काश करते हैं तो तब उनको क्या कहेंगे पैरासाइट जैसे कि मॉस्कीटोज़ हैं वो आ, एक्टो एक्टोपेरासाइड्स हैं ठीक है प्लाज्मोडियम जो है वो भी पैरासाइट है जो हमारे जिसम के अंदर रहता है और हमें बीमारी भी कास कर लेता है जैसे कि कौन सी बीमारी प्लाज्मोडियम कास करेगा तो वो मलेरिया कास करता है सो ऐसे कोई भी ऑर्गनिज़्म जो हमारे जिसम के ऊपर रहते हैं हमें शेल्टर हम उन हमसे फूड हासिल करते हैं शेल्टर भी हासिल करते हैं लेकिन साथ साथ हमें बीमारी भी काज करे तो इनको क्या कहते हैं पैरासाइट एंड द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी तो पैरासाइट्स को स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है ठीक है बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में टू वर्ड्स हैं बायो एंड टेक्नोलॉजी सो so, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को आपस में कंबाइन किया हुआ है सो so, यहाँ पे हम क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन मतलब इसमें हम इंसान के फायदे के लिए किसी भी जानदार को यूज़ करेंगे मतलब कोई भी जानदार होगा अगर हम उसको इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है ठीक है इंसान के फ़ायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसा कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया को इस्तेमाल करें इंसुलिन जीन बनाने के लिए वर्ड इम्यूनोलॉजी इज़ डाइव फ्राम लेटिन वर्ड इम्यूनस विच मीन्स फ्री फ्राम मीन्स इसमें हम इम्यून सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे इम्यून सिस्टम क्या करता है इम्यून सिस्टम हमें फ्री रखता है फ्री फॉर्म फ्री रखते हैं किस चीज से फ्राम इन्वेडिंग माइक्रोब्स के जो माइक्रोब हमारे जिसम के अंदर इंटर होते हैं तो उनसे हमें फ्री रखता है ठीक है एंटोमोलॉजी अब एंटोमोलॉजी अगेन जो वर्ड है एंटो एंटो इसका मतलब क्या बनता है इंसेक्ट ठीक है एंडलोगस का मतलब स्टडी सिंपली so वर्ड से हमें पता चल रहा है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स ठीक है सो इसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करेंगे इंसेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं मे बी आप बीस को स्टडी करते हैं ठीक है मीन्स वी बटरफ्लाई को ठीक है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट जो भी आपको याद आते हैं तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे एंटोमोलॉजी में जी में हम किसी भी इंसेक्ट को स्टडी करेंगे नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी अच्छा जो ठीक है नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी सो वर्ड फार्मेको, फार्मेको का मतलब क्या बनता है ड्रग्स ठीक है एंड लोगस का मतलब स्टडी सो सिंपली इस वर्ड से हमें पता चलता है कि ये क्या है द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट और उसका इफेक्ट भी तो देखेंगे ना कि जिसम के ऊपर क्या इफेक्ट करता है आन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी ठीक है सो फार्माकोलॉजी में क्या करेंगे हम ड्रग्स को स्टडी करेंगे और उसका इफेक्ट इंसान के बॉडी के ऊपर किस तरह होगा तो वो भी स्टडी करते हैं एग्जाम्पल में कोई भी ड्रग्स आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामिटामोल एक ड्रग है जो टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज करते हैं ठीक है उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह